अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की जानिब से नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, उनकी मुकम्मल डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, उनका टेस्ट इंटरव्यू शेड्यूल में आपके साथ शेयर करूंगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इनकी जो भर्ती का इश्तिहार है, दो इश्तिहार हैं, दोनों में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला हम देख लेते हैं, इसके अंदर नायब खतीब वेटरनरी कंपाउंडर, ए टी सिपाही, कोक सिपाही, वेस्ट मैटर मिसालची सिपाही, धोबी कारपेंटर मोची टेलर हिजाम है। इनका पे स्केल आगे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी तारीख है नायब स्टीव वेटरनरी ए टी सिपाही के लिए 19 जून 2023, उसके बाद कोक मैस वेटर वेटर मिसालची सिपाही के लिए 20 जून, धोबी कारपेंटर मोची टेलर और हिजाम के लिए 22 जून है। उम्र की आज 17 से 28 साल और नायब खतीब के लिए बाकी के लिए 17 से 23 साल है। नायब खतीब के लिए आपका मैट्रिक पास, उसके साथ फाजल दर्स निज़ामी वफाकुल मदारिस अल अरबिया से शरतुल आलमिया यानी जो एमए के इक्वल होती है वो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद स्काउट ट्रेनिंग एकेडमी वर्सक में इनकी ट्रेनिंग होगी। बाकी जो वेटरनरी कंपाउंड ए टी सिपाही कोक सिपाही सॉरी ए टी सिपाही तक मैट्रिक और इसके साथ जो बाकी हैं उनके लिए मिडिल पास आपकी तालीम होनी चाहिए। वर्क स्टाफ के अंदर इलेक्ट्रीशियन स्विच बोर्ड अटेंडेंट इनकी 23 जून, 6 और 5 स्केल है, 18 से 25 साल एज लिमिट है। मैट्रिक के साथ इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट दोनों का। उसके बाद आपका जो प्लम्बर पाइप फिटर और फिटर हैं इनका 4th स्केल है 24 जून 2023, इसमें मैट्रिक आपकी तालीम उसके साथ तजर्बा या महारत या स्किल आपकी होनी चाहिए। उम्र की याद 21 जून 2023 तक आपने काउंट करनी है, जो 17 साल से ज़्यादा ज़्यादा और 23 साल होनी चाहिए। नायब खतीब की 31 जून 2023 तक कम से कम 17 और ज़्यादा 28 साल होनी चाहिए। कद 5 फीट 6 इंच और छाती 31-33 और उसके बाद उम्र की याद मैंने आपको बता दी है। वर्क स्टाफ में 25 साल एज लिमिट है आपकी। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ 4 रंगीन पासपोर्ट साइज पिक्चर्स ये आपने अटैच करवानी है और उसके साथ आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ये लेकर आपने इनका जो सेंटर है फ्रंटियर कोर नॉर्थ का वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने इन जो डेट हैं इन डेट्स के मुताबिक जिसमें आप एलिजिबल हैं उसी के मुताबिक आपने वहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। ये आपने वहाँ पे पहुँचना है, इसका कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है या किसी भी किस्म का नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि हम इसको ऑनलाइन करेंगे, पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था, काफ़ी सारे केसेस सामने आए थे जिनमें लोगों ने मैसेज के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ा से पैसे भी वसूल किए लेकिन उनका कोई भी इसमें अप्लाई वगैरह नहीं हुआ था, तो आपने इसका एहतियात करना है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरी एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके अंदर हमारे पास इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वाले कर सकते हैं, लोअर दीर चित्राल अपर दीर बुनीर वगैरह के। इसके अंदर जनरल ड्यूटी सिपाही हैं, सारे के सारे मेल हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे तारीखें लिखी हुई हैं, 8 बजे से 2 बजे दोपहर तक आपने वहाँ पे पहुँचना है, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला वाले। और जो मैंने आपको पहले एडवर्टाइजमेंट बताई है उसके अंदर भी खैबर पख्तूनख्वा वाले ये सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, दीगर नहीं कर सकते, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए। तो आपने जो लोअर दीर चित्राल वाले हैं 8 से 10 मई को चित्राल स्काउट सेंटर में, उसके बाद अपर दीर वाले 15-16 मई हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स के अंदर, बुनीर वाले 20-22 मई को हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स, शांगला वाले 25-26 ये भी दीर स्काउट्स में, बाजोड़ वाले हेडक्वार्टर बाजोड़ स्काउट्स खार के अंदर 1 से 3 जून तक, मर्दान वाले 22 से 24 मई में स्काउट्स ट्रेनिंग वर्सक में, चार सदा वाले 29 से 31, नौशेरा वाले 5-6 जून और कुहाट वाले एफ आर कुहाट वाले भी 9, 10 और 12 जून, ये सारे अकेडमी वर्सक में जाएंगे। एबटाबाद वाले 8-9 मई को टाकरा स्टेडियम मनसेरा, मनसेरा वाले 12-13 मई को, हरिपुर वाले 17-18 मई को। इसके बाद आप यहां से देख सकते हैं शेड्यूल्स, इसलिए मैं शो कर रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें। टांक वाले 23-24 मई को डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और एफआर लकी मरवत 29-30 मई को डेरा इस्माइल खान। नॉर्थ वजीरिस्तान वाले हेडक्वार्टर टोची स्काउट्स मीर इंशा में 5-7 जून को, हंगू वाले 12-13 जून को स्काउट्स टेल के अंदर,
औरंगजई वाले 1921 जून तक हेडक्वार्टर औरंगजई स्काउट्स कलाया के अंदर, उसके बाद अपर चित्राल 12-13 मई वाले चित्राल के अंदर, ये सेम है अपर दीर लोअर दीर वाले, उसके बाद सवात मालाकंड मेहमद लोअर दीर 17-19 मई स्काउट्स हेडक्वार्टर दीर के अंदर, सवात वाले 23-24 मई को, मालाकंड वाले 29-30 और 27 मई को, यानी 29-30 और 27 मई, मेहमद वाले 5-6 जून को ये हेडक्वार्टर मेहमद राइफल्स गलनई के अंदर, उसके बाद स्वाबी वाले 25-27 मई स्काउट्स ट्रेनिंग वर्सक के अंदर, पिशावर बमा एफ आर पिशावर 1-3 जून वर्सक के अंदर, खैबर वाले 7-8 जून को स्काउट ट्रेनिंग वर्सक के अंदर, करक वाले 13-15 जून को वर्सक के अंदर, बटग्राम वाले 11-10-11 मई, टाकरा स्टेडियम मनसेरा तूरगर कोहिस्तान तूरगर वाले 15-16 मई और कोहिस्तान वाले 19-20 मई को, डेरा इसमाइल खान बमा एफ आर डेरा इसमाइल खान 25-27 मई डेरा इसमाइल खान कैंट में, साउथ वजीरिस्तान वाले साउथ वजीरिस्तान स्काउट्स दाना के अंदर 1-3 जून, बन्नू वाले 9-10 जून को हेडक्वार्टर स्काउट स्टिल के अंदर, करम वाले 16-14 जून यानी 14-16 जून हेडक्वार्टर टर्टल स्काउट स्टिल के अंदर। इसके बाद स्पेशलिस्ट कैडर हैं, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट हैं 16 जून 2023 स्काउट ट्रेनिंग अकेडमी वर्सक में, EME इलेक्ट्रॉनिक्स VM इलेक्ट्रीशियन फीटर गन मोर्गन, उसके बाद ये 17 जून को स्काउट ट्रेनिंग वर्सक के अंदर। इसके बाद स्टेनोटाइपर्स के लिए इंटरमीडिएट MS ऑफिस और 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड, BA BSc और MA MSc वालों को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन ज़रूरी नहीं है। EME ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स VM इलेक्ट्रीशियन फीटर गन STM वगैरह के लिए मैट्रिक साइंस B ग्रेड या FSc C ग्रेड या 3 साल डिप्लोमा, मैट्रिक साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए C ग्रेड FSc या 3 साल डिप्लोमा, इसके बाद VM इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक, फीटर गन वालों के लिए FA FSc और MST वालों के लिए मैकेनिकल व्हीकल वगैरह। 5'6" आपकी हाइट, उसके बाद जो शोधा के बच्चे हैं उनको 2 इंच की रियायत, इसके बाद 33-31 छाती और शोधा के बच्चों भाइयों को 2 इंच की रियायत। 31 जून 2023 तक आपकी उम्र 17-23 साल होनी चाहिए, उसके बाद जो शोधा वाले हैं उनको 2 साल की रियायत है। सिर्फ स्टेनोटाइपिस्ट और BSc पास उम्मीदवारों को 2 साल और MA MSc वालों को 5 साल की रियायत होगी। बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड भी और ओरिजिनल भी साथ लेके जाने हैं। अगर आप हिफ्ज़ कुरान या ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो वो भी आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, तारीखें मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। उम्मीद है कि ये सारी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। डेट वाइज आपने इन्हीं डेट के साथ वहाँ पर पहुँचना है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मजीद कारामद वीडियोस जॉब्स के मुतालिक एडमिशन्स के मुतालिक टेस्ट के मुतालिक स्कॉलरशिप के मुतालिक आपको यहाँ पर मिलती रहें और आप इनसे अपडेट रह सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।